चांदोरकर जी। गणपत, अरे ओ गणपत। जी सरकार, हुकुम कीजिए। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं एक फकीर शिरडी में आया है। जी सरकार। ये फकीर बड़ा चमत्कारी है। अपने जादू टोनों की शक्ति से इसने सारी शिरडी को अपने वश में कर लिया है। हिंदुओं को अल्लाह मालिक और मुसलमानों को राम राम कहता है। वाह, क्या तरीका है लोगों को उल्लू बनाने का। एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार हमारी और हुकुम इसका चलेगा। सारी शिरडी को पागल बना रखा है इसने। यहां तक कि मेरी धर्मपत्नी भी इस बहुरूपिये का गुणगान करने लगी है। चुटकी भर राग देता है और लोगों को उल्लू बनाता है। वो दिन दूर नहीं गणपत जिस दिन ये हमारी जगह पर बैठेगा और हम उसकी जगह पर गली गली भी मांगते फिरेंगे। गणपत, कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में मिलाकर अंग्रेज सरकार के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। हम सरकार के नौकर हैं, कुछ ना कुछ करना होगा गणपत। आखिर उनको भी जवाब देना है। सरकार, क्यों परेशान होते हो? यह गणपत किस दिन काम आएगा? मेरे पास ऐसी फुलझड़ी है कि जिसको सुलगाते ही ये फकीर मोम की तरह पिघल जाएगा। ऐसा नशा है कि उसके ठुमके पर अपना ये भेस भूल जाएगा। फकीरी छोड़कर कोठे पर नजर आएगा। मुझे गणपत कहते हैं, गणपत। आपकी रोटी खाई है माए बाप, अब नहीं तो कब आपके काम आऊंगा। आज ही आपके हुक्म की तामील होगी। मेनका, जाओ आज अपने हुस्न का जलवा दिखा दो। तुम्हारे हुस्न ने कई सुरमाओं को दीवाना बना दिया है। गनू, अरे ये तो बूढ़ा फकीर है। इस बूढ़े फकीर को क्या मैं अपना जोहर दिखाऊंगी? यही तो चुनौती है, इसीलिए तो मुंह मांगा दाम तुमको दिया जा रहा है। ऐसे फकीर को वश में करना मुझे अच्छी तरह आता है, परंतु डर इस बात का है कहीं वो मेरे पीछे पड़ गया तो। उस बात की चिंता मत कर, जब इसकी असलियत सामने आ जाएगी गांव वाले खुद ही इसे धक्के मार मार कर निकाल देंगे। ठीक है, तुम मेरा यही इंतजार करना। मैं यू गई और यू आई। आदाब हुजूर, आदाब। फरमाओ, क्या चाहती हो? आपका बड़ा नाम सुना है, सोचा आपके दिल में थोड़ी सी जगह बना लूं। मेरे नृत्य से अच्छे अच्छे मेरे दीवाने हो गए हैं। अपना नृत्य, अपनी कला पेश करना चाहती हूँ, आपकी आज्ञा चाहती हूँ। भला कलाकार को कैसी आज्ञा? कलाकार स्वयं ही खुद का राजा होता है। प्रस्तुत कर सकती हो अपनी कला, उसके लिए आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं। सबका मालिक एक है। तो तैयार हो जाइए हुजूर।